अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार के सहरसा जिले के कोसी नदी में मछुआरों के जाल में फंसा मगरमच्छ। मगरमच्छ को देखने के लिए उमर गई ग्रामीणों की भीड़। बता दें कि खबर बिहार के सहरसा जिले से है, जहां जिले के सलखुआ प्रखंड अंतर्गत चानन पंचायत के खजुरदेवा गांव के समीप कोसी नदी में मछुआरों के जाल में मगरमच्छ फंस गया। आपको बता दें कि मगरमच्छ में कई प्रजातियाँ हैं। कुछ प्रजातियाँ जो बड़े मुंह की होती है और उस वह किसी भी जानवर को निगल सकता है, चाहे वह इंसान हो या बड़ा जानवर। कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो सिर्फ मछलियों या छोटे छोटे जीव जंतुओं को ही खाकर अपना पेट पालती है। यानी यह जो पकड़ा गया है, यह छोटे जीव जंतुओं को खाने वाला और मछली खाने वाला मगरमच्छ है, न कि बड़े मुँह वाला और इंसान या गाय माल को। तो निश्चित रूप से लोग यहाँ इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि मगरमच्छों में यह कौन सी प्रजाति है। बता दें, मछुआरों के जाल में फंसे मगरमच्छ को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि कोसी नदी में मछली मारने के लिए मछुआरों ने बीते 1 अगस्त को यानी कि कल जाल लगाया था, और वहीं मंगलवार यानी आज जब मछुआरा अपना जाल खोलने के लिए कोसी नदी में घुसा तो जाल में मगरमच्छ फंसा हुआ था। देखने के बाद मछुआरे भी घबरा गए। बाद में मछुआरों ने जब मगरमच्छ के पूंछ को हिलाया तो मगरमच्छ मरा हुआ पाया गया। उन लोगों का कहना है कि जाल में पहले से मगरमच्छ फंस गया था और 24 घंटे के अंदर बाद में जब हमने जाल निकाला तो मगरमच्छ मरा हुआ था। सभी मछुआरों ने मगरमच्छ को लेकर पानी से बाहर निकाला। वहीं जैसे ही लोगों को इसकी सूचना मिली मगरमच्छ पकड़ाया है, तो लोगों की अप्रत्याशित भीड़ मौके पर जुटने लगी। बता दें कि जुलाई में कोसी नदी में बाढ़ बढ़ने से नाव के तटबंध के अंदर जा रहे ग्रामीणों ने नदी किनारे मगरमच्छ देखा था, जिसके बाद से ही ग्रामीणों में मगरमच्छ को लेकर भय व्याप्त था और आज मगरमच्छ मछली के जाल में फंसकर अपना जीवन समाप्त भी कर बैठा। बहरहाल, मगरमच्छ को देखने की ललक गांव और देहात में खूब देखी जा रही है। लोग भीड़ जुटाकर मगरमच्छ को देखने आ रहे हैं। सहरसा से नितेश कुमार की रिपोर्ट। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।